नई कहानी लिख रहे हैं, कहानी का नाम है वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। तो अपन कहानी के माध्यम से इंग्लिश के एक एक वर्ड का ट्रांसलेट करके इंग्लिश सीखेंगे। तो अपन एक एक जो वर्ड है उसको ट्रांसलेट करेंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश समझने में आसानी हो और वर्ड गैदरिंग जितने से जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। वन, एक, फाइन, अच्छा, सनी डे, सनी डे मतलब सूरज वाला दिन, इन विंटर सर्दियों में, मैं इन मतलब मैं, विंटर मतलब सर्दी। भाई सनी डे फाइन क्यों है? वो सर्दियों में हो सकता है, गर्मियों में तो डेली सन निकलता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती तो वो अच्छा नहीं होता अपना, मतलब अपन को अच्छा फील नहीं होता। लेकिन जिस दिन सर्दी में जो है सूरज निकलता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। एक ग्रॉस ऑफर, एक ग्रॉस ऑफर मतलब टिड्डा, ठीक है। वॉज, था, वो बास्किंग, बास्किंग मतलब मज़े ले रहा था, इन मैं द वार्म सन, गर्म सन में, ठीक है। सर्दी में अचानक से धूप निकली तो वो मज़े ले रहा था, लोटपोट हो रहा था। बट ही वॉज वेरी एंग्री, लेकिन, बट लेकिन ही वह वॉज था वेरी बहुत हंग्री, भूखा। एज जैसा कि, ही उसने या वह उसने, हैड रखा था, नॉट नहीं, ईटन मतलब खाना, तो उसने क्या हैड नॉट ईटन मतलब खाना नहीं खाया, ठीक है। हैड नॉट ईटन एनीथिंग कुछ भी, सिंस जब से, लास्ट नाइट तो कब से, लास्ट नाइट से, सिंस लास्ट मतलब पिछली, नाइट मतलब रात, तो उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। सो इसलिए ही वह लुक्ड, देख रहा था, अबाउट मतलब मतलब ढूंढने के लिए, अबाउट मतलब किसी चीज़ को खोजने के लिए, ठीक है। अबाउट टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड के साथ में यूज हुआ अबाउट, मतलब कुछ भी मिल जाए, ठीक है, ऐसा कुछ भी मिल जाए जिसे वो खा सके, समथिंग कुछ भी। टू, सूद, सूद मतलब शांत कर सके, ठीक है, या आराम पहुंचा सके, हिज हंगर अपनी भूख को, हिज मतलब अपनी या उसकी मतलब खुद की, हंगर मतलब भूख को, ठीक है। सडनली अचानक, ही वह सौ देखा, सी की सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है सी, ठीक है, फिर से लिख देते हैं सी, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है सौ, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म हो गई। तो उसने ही सौ देखा, फ्यू मतलब कुछ, आंट्स चीटी कैरिंग ले जा रही थी, कैरी मतलब ले जाना, आईएनजी जा रही थी, तो कैरिंग ले जा रही थी, ग्रेन्स अनाज, इनटू अंदर ले जा रही थी, इनटू मतलब किसी चीज़ के अंदर जाना, ठीक है, इन मतलब डायरेक्टली अंदर, जैसे कि कोई रूम वगैरह उसके अंदर आना, लेकिन बिल वगैरह उसके अंदर जा रही, अपन बाहर से देखें तो इनटू देयर होल, ठीक है, तो वो ले जा रही थी इनटू अंदर, देयर अपने, और होल मतलब बिल में, ठीक है। ही वेंट अप टू द आंट्स, ही मतलब वह, वेंट गया, भाई गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या वेंट हो गई, थर्ड क्या हो गई गॉन, ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म, ठीक है। ही वेंट गया अप टू मतलब पास में, द आंट, आंट के पास, चीटियों के पास गया, ठीक है। एंड और आस्क्ड पूछा, हम्बली बहुत इज्जत से और बहुत ही मतलब आदर से, या फिर एक ऐसा कि उसे नीड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, हम्बली रिक्वेस्ट की उसने, कैन सकते हो, यू तुम, प्लीज़ कृपया, स्पेयर छोड़, फ्यू कुछ, ग्रेन्स अनाज, फोर लिए मी, तो उसने बोला कि क्या तुम कुछ अनाज के दाने मेरे लिए छोड़ सकते हो, प्लीज़। हैव आई, मैं, हैव नॉट, नहीं लिया है, ईटन खाना, तो मैंने खाना नहीं खाया है, हैव नॉट ईटन मैंने खाना नहीं खाया है, एनीथिंग नहीं खाया, एनीथिंग कुछ भी, सिंस कब से, यस्टरडे से, तो मैंने सिंस यस्टरडे कल से, पिछले कल से कुछ भी नहीं खाया है। सो इसलिए आई, मैं, एम हूँ, ऑलमोस्ट स्टार्विंग मतलब भूख से बहुत ज़्यादा परेशान, ठीक है, स्टार्विंग मतलब भूख से, भुखमरी से, ऑलमोस्ट स्टार्विंग, भुखमरी टू डेथ, ठीक है, मेरी मतलब डेथ की हालत हो गई, इतनी ज़्यादा मुझे भूख लग रही है, या मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है। वन, एक,
ऑफ द आंट्स, उनमें से एक जो चींटी थी, वन ऑफ द आंट्स, उनमें से एक चींटी आस्क्ड, पूछा द ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर से उन्होंने पूछा, ग्रासहॉपर मतलब टिड्डा से, व्हाट वर यू डूइंग द होल समर, क्या, व्हाट मतलब क्या, वर ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यू तुम, डूइंग कर रहे थे, द होल, होल मतलब पूरे, समर मतलब गर्मियों में, तो तुम पूरी गर्मियों में क्या कर रहे थे, वाई क्यों, डिडंट वाई डिडंट, क्यों तुमने नहीं, यू, वाई डिडंट यू स्टोर, स्टोर मतलब क्या, संरक्षित नहीं किया, या आई मीन मतलब स्टोर नहीं किया, स्टोर का इन दी सेंस इकट्ठा नहीं किया, अप द फूड फॉर द विंटर सीजन, क्यों तुमने विंटर सीजन के लिए भोजन स्टोर या एकत्रित नहीं किया, ठीक है, द ग्रॉस ऑपर रिप्लाइड, द ग्रॉस ऑपर टिड्डा रिप्लाइड, जवाब दिया, ट्रूली स्पीकिंग, बहुत मतलब सच बोलते हुए, उसने झूठ नहीं बोला, ट्रूली मतलब सच, स्पीकिंग बोला, ठीक है, आई मैं स्पेंड खर्च किया, ऑल सारा द समर गर्मी, सिंगिंग सॉन्ग गाना गाने में, ठीक है, सॉन्ग गाना, सिंगिंग गाने में, एंड दैट्स वाई, और इसलिए, दैट्स वाई इसलिए, आई मैं कुड नॉट नहीं कर सका, स्टोर एनीथिंग मतलब कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सका, स्टोर इकट्ठा करना एनीथिंग कुछ भी, द आंट चीटी चेक्ड मतलब उनके चेहरे पे स्माइल आ गई, चेक्ड आउट ए स्माइल, ठीक है, उनके चेहरे पे एक स्माइल आ गई, चेक्ड आउट ए स्माइल, ठीक है, एंड रिमार्क्ड, ओके, और रिमार्क्ड किया, देन तब डांस नाचो द विंटर अवे, जब तक विंटर नहीं चली जाती तब तक तुम नाचो आराम से, द ग्रॉस ऑपर पुल्ड अ लॉन्ग फेस, ग्रॉस ऑपर ने एक लंबा फेस कर लिया, मतलब कि यार इन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, मतलब मुंह लटका लिया एक तरह का, ग्रॉस ऑपर पुल्ड खींच लिया अ लॉन्ग फेस, ठीक है, एंड वॉकड अवे और चला गया, वॉकड मतलब जाना, अवे दूर, तो दूर चला गया, सो इसलिए वी हम से कहते हैं, वर्क काम इज है रियल वास्तविक वर्से पूजा, तो काम ही रियल पूजा है, आई होप मैंने एक एक वर्ड का मीन डिफाइन कर दिया है, आपको अच्छे से समझ आ गया हो, थैंक यू, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी जरूर हमें कमेंट सेक्शन बताएं।